हैप्पी दिवाली। ठीक है मैं निकलता हूँ, हैप्पी दिवाली सभी को। काम कंप्लीट हो गया है। वो बीएस ग्रुप का काम कंप्लीट हो गया। छुट्टी नहीं देने वाले मैं बता रहा हूँ आपको। तुम भी बस करो यार, कितना बोलोगे? सारे दिन आवाज करने का काम तुम लोगों का। जो काम दिया हुआ है ना उसको फोकस करो, जो डेडलाइन दे रखी है ना उस तब तक काम उसको फिनिश कर दो। समझ में आता है सब? काम का पैसा तो रोज का है, आज कोई नई बात थोड़ी। घर तो नहीं जा पा रहे हैं सर। यहाँ सिर्फ काम होगा, बस डिजाइन में कुछ चेंजेस है, उसको कंप्लीट करो और मुझे मेल करो। जस्ट रिलैक्स यार, पता है मेरी दादी दिवाली की रात आखिरी दिया जलाती थी, ये मानकर कि भटके हुए लोगों को ये रास्ता दिखाएगा। सीरियसली? या इंटरेस्टिंग। जब से इस काम में बिजी हुआ हूँ तब से इस ट्रेडिशन को निभा ही नहीं पाया। अरे यार, इस लाइट को भी अभी जाना था, इन्वर्टर भी खराब पड़ा है यार। लगता है लाइट भी दिवाली मनाने चले गई। इन दियो के बिना तो पूरा अंधेरा ही हो जाता। मैंने भी ऐसे बहुत दिए जलाए हैं अपने पापा के साथ में, लेकिन अब जिंदगी में केवल काम बचा है और कुछ नहीं। हमारे यहाँ तो दिवाली का सेलिब्रेशन नॉर्मल सा ही होता है, बट ये दिवाली के दिन एक्साइटमेंट जो होती है वो थोड़ी अलग होती है। अब तो केवल काम और ऑफिस, सेलिब्रेशन और फेस्टिवल पीछे छूट रहे यार। कभी कभी लगता है ना कि हम बस दौड़ते जा रहे हैं, लेकिन असली खुशी है ना वो इन छोटे छोटे पगों पे। ठीक है तो सभी अपने घर जाओ, त्योहार मनाओ अपने परिवार के साथ। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू सर। थैंक यू सर। चलो चले। हाँ चलते हैं सर, बस आखिर दिया जलाना है। ये दिया उन सब के लिए जो अपने घर का रास्ता खोज रहे हैं। डेडलाइन और टारगेट्स के अलावा भी कुछ है लाइफ में जो बहुत जरूरी है।